हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, UPTGT का आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आशा करता हूँ कि सभी का जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा स्कोर सभी ने किया होगा। 125 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कट ऑफ आपका क्या रहेगा। तो ये प्रत्येक जो वर्ग है, हमने दो वर्गों में यहाँ पर आपको बांटा हुआ है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। तो सभी जो सब्जेक्ट हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उनका कट ऑफ हम यहाँ पर बताएंगे आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। 8 और 9 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जनरल OBC SC ST कैटेगरी के लिए आपका क्या कट ऑफ रहेगा। मेल का अलग से बताया जाएगा और फीमेल का अलग बताया जाएगा। तो यहाँ पर PH कैंडिडेट को हम SC कैंडिडेट के लेवल में रखते हैं, तो SC और PH कैंडिडेट का लगभग लेवल सेम रहेगा। बाकी सर आपको डिस्कस करेंगे, काफ़ी एनालाइज के बाद यह कट ऑफ तैयार किया गया है और इस कट ऑफ को तैयार करने में पूरे 2 दिन लगे हैं। तो दोस्तों, हमारी मेहनत को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए दोस्तों, जैसा ये हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा मानना है कि कट ऑफ ये जा सकता है, एनालाइज के साथ हमने तैयार किया है। आपका क्या राय है इस संबंध में, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या जा सकता है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, महत्वपूर्ण विषय के हम कट ऑफ आपको डिस्कस कर रहे हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट में। वो 125 क्वेश्चन आया था, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। तो क्या कट ऑफ जा सकता है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हिंदी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट का देख लें कट ऑफ क्या जा सकता है। अगर हम मेल कैंडिडेट में बात करें, जनरल कैटेगरी में 125 में से आपका अगर जो 104 नंबर बन रहे हैं, 104 नंबर अगर आपके जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर है, आप पूरी फाइट में हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट में जो कट ऑफ जा सकता है मेल वर्ग में, वो 100 जा सकता है। 100 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है, आपका सही है बिल्कुल 100 क्वेश्चन, तो आप पूरे जोन्स में अपना सेफ जोन्स में है। SC और PH यानी SC और फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए 90 क्वेश्चन सेफ हैं, बिल्कुल अच्छा स्कोर है। हिंदी में हम बात करें, ST कैटेगरी के बंदे जो हैं उनका 80 अगर जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक गुड स्कोर है। तो ये हिंदी के लिए 125 में जो हमने आपको कट ऑफ बताया है, आप देख लें, एक अच्छा स्कोर है। आप ये ना समझे कि आपका स्कोर कम बन रहा है। नेक्स्ट हम बात करें जो बालिका वर्ग में, फीमेल कैंडिडेट में, फीमेल कैंडिगरी में TGT के लिए, हिंदी TGT के लिए 100 मार्क्स फीमेल कैंडिगरी में, 100 OBC के, OBC फीमेल 95, एक गुड स्कोर है, अच्छा स्कोर है। SC और PH, SC और फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए 85, और आपका जो पता है ST कैंडिडेट के लिए 70, ST कैंडिडेट के लिए 70। तो फीमेल कैंडिडेट में आप देख लें, जनरल कैंडिडेट 100, OBC 95, SC और PH 85, ST आपका 70, एक गुड स्कोर होगा। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। नेक्स्ट लेवल में हम बात करते हैं, जो हिंदी के बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट आप देख लें, क्योंकि आप जानते हैं 125 नंबर में से मार्किंग की गई है। 2 दिन आपका एग्जाम चला है, 8 और 9, तो ये जो स्कोर है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश, इंग्लिश में जो कट ऑफ जा सकता है, आप ध्यान से देखें। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका क्या मानना है, कट ऑफ क्या जा सकता है। जनरल कैंडिडेट के लिए हम बात करें, जनरल कैंडिडेट TGT इंग्लिश के लिए 100 मार्क्स गुड सेफ होगा, एक अच्छा स्कोर होगा। OBC के लिए 96 है, जनरल मेल कैंडिडेट 100 इंग्लिश, OBC के लिए 96, SC और PH के लिए आपका 88 स्कोर इंग्लिश TGT के लिए हो जाएगा। ST की बात करें तो ST का 74 मेल कैंडिडेट में, आप फिर से देख लें, 100 जनरल, OBC 96, SC PH 88, ST 74 सब्जेक्ट इंग्लिश TGT के लिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या जा सकता है TGT इंग्लिश के लिए, तो आप ध्यान दें, 95 अगर आप फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं और 95 आपका जनरल में है, तो एक अच्छा स्कोर है। OBC 92, SC और PH 80, ST 65 फीमेल कैंडिडेट में, ये आपका TGT इंग्लिश के लिए कट ऑफ था, क्योंकि आप जानते हैं हमने हिंदी और इंग्लिश TGT कट ऑफ बता दिया है। नेक्स्ट जो है सेम था, पैटर्न सेम था, 125 क्वेश्चन था हर सब्जेक्ट के लिए, और हर सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, और 2 दिन एग्जाम चला है। नेक्स्ट है आपका गणित, मैथ के अभ्यर्थी थे जो मैथ से बिलोंग करते हैं, गणित के लिए कट ऑफ देख लें 125 में से। देखिए दोस्तों, हम फिर आपसे डिस्कस कर दें एक बार, आप अपना राय जरूर रखें।
जनरल कैंडिडेट मैथ जनरल कैंडिडेट टीजीटी 102 अगर क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं तो एक गुड स्कोर है। ओबीसी कैंडिडेट 98 एससी और पीएच कैंडिडेट मेल में 91 और एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 79 एक गुड स्कोर हो जाएगा। जनरल 102 ओबीसी 98 एससी और पीएच 91 एसटी 79 मैथ टीजीटी गणित टीजीटी यानी आप जूनियर टीचर के लिए वैकेंसी हम आपको बता रहे थे। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट में फीमेल कैंडिडेट की जनरल 94 फीमेल कैंडिडेट में ओबीसी 91 एससी और पीएच 78 और एसटी की अगर हम बात करें मैथ के लिए तो 60 स्कोर एक गुड स्कोर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं जनरल 94 ओबीसी 91 एससी और पीएच 78 एसटी 60 टीजीटी मैथ ये हम आपको बता रहे थे जो तो क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी कई सब्जेक्टों के लिए हुआ था तो तीन सब्जेक्ट हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं हिंदी इंग्लिश और गणित। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है वो है आपका साइंस विज्ञान वर्ग से जो अभ्यर्थी जुड़े हैं वो देख लें क्योंकि आप जानते हैं विज्ञान वर्ग की भर्ती भी इसमें थी। तो विज्ञान टीजीटी के लिए मैं साइंस टीजीटी टीचरों के लिए जो वैकेंसी थी जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल 125 में अगर आपका 100 मार्क्स बन रहा है साइंस वर्ग के लिए तो आपका एक गुड स्कोर है आप टीजीटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ओबीसी की बात करें तो 96 एससी और पीएच के लिए 85 और एसटी कैंडिडेट के लिए 78 मेल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो 100 जनरल ओबीसी 96 एससी और पीएच 85 एसटी 78। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका था टीजीटी में काफ़ी वैकेंसी आई थी काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसमें एग्ज़ाम भी दिया था और ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अच्छी तरीके से मेहनत की हुई थी एग्ज़ाम को लेकर टीजीटी के जूनियर टीचर वैकेंसी के लिए। तो कट ऑफ को एनालाइज किया गया है हर अभ्यर्थी से जितने ज़्यादातर अभ्यर्थी से हम मिले हैं जो एक सर्वे निकल कर आया है उस सर्वे के मुताबिक हम आपको ये कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। हम फीमेल कैटेगरी की बात करें साइंस में तो जनरल 98 ओबीसी 93 एससी और पीएच 82 और एसटी 65 एक बार फिर देख लें साइंस वर्ग के लिए फीमेल कैंडिडेट को कितनी मार्किंग की रिक्वायर्ड है जनरल कैंडिडेट 98 ओबीसी कैंडिडेट 93 एससी और पीएच कैंडिडेट 82 एसटी कैंडिडेट 65 ये साइंस टीजीटी के लिए हम आपको बता रहे थे। नेक्स्ट जो है आपका एसएसटी बच्चा है एसएसटी में क्या कट ऑफ जा सकता है ध्यान दें क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइट जो है वो एसएसटी में ही देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर बहुत अभ्यर्थी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं एसएसटी में तो माना यह जाता है कि जो कट ऑफ सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो एसएसटी वर्ग की ही जाती है। तो 125 में सामाजिक विज्ञान के लिए कितना कट ऑफ जरूरी रहेगा देख लेते हैं एक बार तो जनरल कैंडिडेट के लिए 105 जनरल कैंडिडेट के लिए 105 टीजीटी मिल जाएगा एसएसटी में अगर आपके जनरल में 105 है। ओबीसी में अगर आपकी मार्किंग मेल वर्ग में 101 बन रही है 101 101 बन रही है सही दोस्तों ये बिल्कुल सही मार्किंग होनी चाहिए आपकी तब ये बात है। एससी और पीएच यानी शेड्यूल कास्ट और फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए मेल वर्ग में पुरुष वर्ग में 94 होना चाहिए स्कोरिंग और एसटी में आपकी 85 होना चाहिए। तो पूरा एक एनालिसिस के साथ हम आपको कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें एसएसटी टीजीटी के लिए तो क्या कट ऑफ जा सकता है जनरल 102 जनरल फीमेल वर्ग 102 ओबीसी 97 एससी और पीएच 90 और एसटी आपका 75 ध्यान दें फीमेल कैटेगरी में 102 जनरल ओबीसी 97 एससी पीएच 90 एसटी 75। तो दोस्तों ये हमारा एक अनुमान था जो हमने सर्वे किया है उसके मुताबिक हमने आपको जो टॉप वैकेंसी थी जिनका सब्जेक्ट को हमने आपको बताया है हिंदी मैथ इंग्लिश एसएसटी और गणित। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या साइंस वर्ग में क्या कट ऑफ जा सकता है आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा क्या कट ऑफ जा सकता है वो भी जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा ये हमारा मानना था आपकी क्या राय हो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सर डिस्कस करते हैं आपको इस संबंध में और
मित्रों आशा करता हूं कि ये कट ऑफ आपके लिए जो है सूटेबल होगा। काफ़ी अच्छा सर्वे किया है उसके बाद ये कट ऑफ निकल कर आया है और इस ये कट ऑफ जो है इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा इतने मार्क्स पर, ये हमारा अनुमान है। और आप अपने जो मार्क्स हैं अपनी कैटेगरी वाइज और अपना जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि हम आपके आंसर देंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।